यहाँ 40 जीवे और 50 मांगे थे। बहुत ही शानदार बैल है। और अभी छोटे का नाम शंभूराम सोलंकी। शंभूराम जी सोलंकी, गांव जावली। गांव जावली, फौजी रिटायर। अच्छा, तो आयान कतक साल होगी थाने घर आयान? पंद्रह साल हो गया। तो 15 साल हूँ वो बेला कोई मतलब काम करो बस। दूसरा कोई धंधा नहीं, मेरे बेलों का ऊपर मेरा जीवन बीतता। अच्छा, तो ये है फौजी रिटायर बाबा जी शंभूराम जी। अगर इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा। और बहुत सारी अच्छी बात बताई है, और गाय बैल रखने के लिए और नागौरी नस्ल को विलुप्त होने से बचाने के लिए बाबा जी बात बता रहे हैं। इनके बैल भी बहुत अच्छे हैं, टॉप के बैल रखते हैं नागौरी नस्ल के प्योर। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। दोबारा बताओ, गांव जावली? गांव जावली तहसील मेड़ता जिला नागौर। गांव जावली तहसील मेड़ता जिला नागौर। तो नागौर के चाचा जी है, रेण के पास का ही है जावली। और जावली गांव बता रहे हैं। इनके पास 4 बैल है, बहुत ही शानदार बैल है। फौजी रिटायरमेंट हो, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस। ये है मेड़ता मेला 2024 का, बहुत ही शानदार बैल है इनके पास। सारे नागौरी नस्ल का है? हाँ, सारे नागौरी नस्ल। तो एक कत्ता कीमत है? एक एक 50 ये 40 देवे और 50 मांगे थे। बहुत ही शानदार बैल है। और अभी छोटे का 30,000 ये। और कोई जानकारी? जो बने का 15 साल। 15 साल होगी ये फौज में आया, बस वही धंधो करोगे? शौक है बच्चों की। अच्छा, बैलों का शौक है। हाँ। सब नागौरी नस्ल की गायें रखो थे? सब नागौरी नस्ल। तो आज अपन देखा जरा, नागौरी नस्ल वाली गायें तो बहुत ही कम मिले अपन। कम मिले पर मैं तो राखा, फोटो बीज तो राखण पड़े। हाँ, और नागौरी नस्ल में मतलब नस्ल नस्ल ही है। हाँ, नस्ल तो बेला की नस्ल बढ़िया है। हाँ, बेला की गायों की नस्ल बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ए बैल अपना हरियाणा पंजाब भी जावे ना? हाँ। अटाला व्यापारी खरीदे या बारला फरीक? पंजाब हरियाणा सब ले जाए। तो 100 रुपये पालने के लिए ले जा रहा है। ठीक सा, बढ़िया। तो आप बताओ कि भाई ए बैल काई काम में लियो बटे? घरों में? हाँ, इनको तो पाल फूल के सेवा करते हैं, इनको पालते हैं। छोटे बछड़े को जा जाता उनके बाद में पाल पोस के बड़े करते हैं, नाम निकालते हैं अपना। हाँ, अपना नाम रखने के लिए बस। हाँ। तो बट रेस में ले जावे कि खेती में ले जावे? कहीं साहब व्यापारी आवे बारला रेस में? रेस में नहीं, कता 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 बिक जावे में ये मतलब बट जाए बस कता बिक मतलब तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख या मतलब रेस के ऊपर कीमत है। या रेस जीत जितनी कीमत है? हाँ, अलग अलग इनाम की शर्त है। अच्छा, इनाम अलग अलग है या प्राइस दिए हुए? तो बाबा जी बतावे देखो कि भाई अलग अलग पंजाब में हरियाणा में और रेस होती है, तो वहाँ इनकी 2 लाख 3 लाख रुपए जैसे 5-5 लाख रुपए की इनाम लेके जाते हैं। हाँ, दौड़ में फर्स्ट आएगा तो इनाम ऊंचा ही है उनका। तो आपनो खानो बटे मतलब एटाला की उत्तर खाओ, देसी बाजरी की खावे या ज्वार की खावे बट सेट हो जाए? हाँ, बट तो सानी देवे जिसका नाम गुड़ हुड़ मिला के थे। यहाँ तुई की कढ़ाई तो खाई साबू मतलब इन चारों दियो दूध पिलाया? दूध पिलायो। हाँ, जरा सेवा बढ़िया करो। हाँ, गऊ की दूध पिलाया इनको, 4 किलो दूध आता था सुबह शाम। अट मेले में भी दियो थे दूध? हाँ। ठीक सा, बढ़िया बाबू जी। तो बढ़िया बढ़िया बातें बताई थे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। और इनके पास बहुत ही सारे बैल है, टेंट और गाड़ी सब साथ में लेके आए हैं। निकले तो निकले, नहीं तो कोई बात नहीं, इनका जीवन सुख रहना चाहिए। अच्छा,